बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहां में पिघल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइस, मैंने अपने खुद के पैसों से, खुद की मेहनत से मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया। ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। वैसे तो ये घर 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे पता नहीं 26 लाख में कैसे मिल गया। और जहां तक मुझे घर के साथ साथ फ्री वाइफ भी मिल गया, इसीलिए 26 लाख का मिला 1 करोड़ वाला घर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे और आपको उनको स्पेशल फील कराने, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको उनको 12 बजे फोन नहीं करना, नहीं 12 बजे फोन नहीं करना, आपको फोन करना 11:50 पे। ठीक है, 11:50 पे फोन करना है और फिर फोन करके बोले कि ओहो आज तो किसी का बर्थडे है, आज तो किसी का बर्थडे। तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसे ब्लश करने लगेगी कि पता नहीं आज तो किसका बर्थडे, मेरे को तो पता नहीं। गर्लफ्रेंड है तेरे पास? टूटे दिल पर तरस खाने नहीं आई, बल्कि इसलिए आई हूँ कि आपसे जुड़ने के बाद कभी मेरा दिल नहीं टूटेगा। देखिए, मेरा मेरे परिवार और तक मेरा मेरे परिवार कुछ लेंगे, मुंह में लेंगे, सॉरी एनर्जी ड्रिंक मांग रहे हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसे हम दुनिया को देखेंगे दुनिया वैसे ही हमें दिखाई देगी। तो मैंने भी इस रूम को साफ देखा और इग्नोर किया, धीरे धीरे रेडी हुआ। लेकिन एक बात तो है, कभी सोचा है जब दो सुअर एक साथ सोते हैं तब क्या होता है? तब रूम का हालत ये होता है। खैर, ठंड से बचने के जरूरी सामान मैंने टॉप बॉक्स पे रख दिया। वो क्या है, दो चीज कब हावी हो जाए पता नहीं चलता, बाइक चलाते हुए ठंडी और सड़क के पास मिली हुई। खैर जाने दो। कुछ भारतीय नारी यहाँ पे है, इनसे एक सवाल पूछा गया, अगर जवाब दे दिया जाए तो इन्हें कुछ इनाम दिया जाएगा। आइए बताइए सबसे पहले दीदी की, भारत के कुल कितने % पति है जो अपने पत्नी के गुलाम है? 100% 100% आप 100% क्यों है? यही नहीं, क्यों होना चाहिए गुलाम भाई, दोनों बराबर रहो ना। बोलो, हम गुलाम गुलाम नहीं है तुम्हारा, गुलाम नहीं है आप, नहीं हम नहीं है गुलाम। रुको जरा, सबर करो। पहला शख्स मिला जो अपने पत्नी का गुलाम नहीं है, देखिए यहाँ पे सही बना नहीं है, नहीं है गुलाम जी। माइंडेड क्यों बोली? नहीं है आप गुलाम, चलिए घर बताते हैं। मजाक मजाक, अरे मजाक कर रहे यार मजाक, हम भी 100% गुलाम है। अब आए ना लाइन पे। कितने शानदार विचार रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये गुलाबी तो नहीं है, मजा आया, ये साड़ी गुलाबी नहीं है। और मैं ये जो मजा है बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा, होम साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? होम साइंस का स्पेलिंग एडमिट कार्ड पे लिखा है, पढ़िए तो। हम पढ़ेंगे, आप मैं आप विद्यार्थी है, आप ना बताइए। हम विद्यार्थी है, वहाँ पे लिखने के बोलता है हिंदी में, हिंदी में लिख देंगे गृह विज्ञान। अच्छा, गृह विज्ञान नहीं होता है, गृह विज्ञान पड़ेगा। हाँ, होम साइंस में क्या होता है, क्या चीज है होम साइंस? क्या है, घर में जो हम लोग खाना खाते हैं, जो मेरे भाभी को जो बेटा हुआ है वो 6 महीना में उसको दांत होगा कि नहीं होगा, ये सब रहता है, बस बात खत्म। ये फेल होगी पक्का। होम साइंस का मतलब ये होता है, ये फेल होगी पक्का। अरे बेटा जी, ये सलीम कंप्यूटर वाले की दुकान का है पता है? अंकल ये सीधा जाएंगे ना, सामने एक दीवार आएगी, उस पे लिखा होगा मर्दाना कमजोरी का इलाज, वहाँ से लेफ्ट जाएं, आपके जो सीधे हाथ वाली जो दीवार है ना उस पे लिखा होगा बांसमन का खात्मा। भाई बस थोड़ा सा आगे जाएंगे, सांडे के तेल वाली जो दीवार, उसके बाबू की दुकान है। अंकल वैसे आपको कहाँ जाना है?
इनको कहीं नहीं जाना, बच्चे तो छोड़ दे छोड़ दे। इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। यहाँ देखो अभी पता चलेगा, अभी मैं इसको आराम से पुल कर सकता हूं, अभी पता चलेगा है ना। लेकिन इसके नीचे मैग्नेट लगी है, रुक जा भाई। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इधर रखूंगा और बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे करंट की सप्लाई अंदर होना चालू हो गई इस बॉक्स के अंदर। उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया इस प्लेट के नीचे। अभी इसमें हमने करंट की सप्लाई ऑफ कर दी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। उठा के देखो, इसे आराम से उठा सकते हो। उठाओ उठाओ, ढंग से उठाओ, है ना। अब देखो इस बटन को जैसे ही दबा देंगे, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब उठा के देखो नहीं उठ रहा ना, क्योंकि अब पावर ला के उठा दो तुम। हाँ सारी उम्र में जो तेरे पीछे। ये कह रही क्या क्या आपने? प्यार का दूसरा नाम ही दर्द है, और तीसरा नाम मर्द है। वो दर्द मर्द ही देता। चल बे, इसे पता ही नहीं है प्यार का मतलब क्या होता है। हेलो हेलो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हाँ बताओ ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? मैंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन अरे कल ही तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया, मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम मेरे को देखो जैसे मेरे खत्म।